बहुत से लोग यह बोलते हैं कि सर आप जो तरीका बताते हो लोन अप्लाई करने का, उस वाले तरीके से हम लोन अप्लाई कर भी दें लेकिन हमें लोन नहीं मिलता है। भाई आपको लोन क्यों नहीं मिलता है, बल्कि हमने जितने भी लोन अप्लाई किए हैं, चाहे हमारा लोन अप्लाई किया हो या फिर दूसरे लोगों का हमने लोन अप्लाई करवाया हो, सभी लोगों का कन्फर्म 99% लोन अप्रूव हुआ है। पता नहीं आप लोन अप्लाई करते टाइम कौन सी गलती कर देते हो और फिर बाद में आप हमें दुखाते हो कि सर आपके तरीके से हमें लोन नहीं मिला है। इस वाले वीडियो को आप एंड तक देखना, शुरुआत में ही आप लोन के लिए अप्लाई मत कर देना, वरना फिर से कोई गलती कर दोगे और बोलोगे कि आपने आज भी जो वीडियो बनाया है उसमें जो तरीका बताया है उससे भी हमें लोन नहीं मिला है। यहां पर आप लाइव प्रूफ देखो, सबसे पहले आपको यकीन हो जाएगा कि जो भी हम आपको बताते हैं लाइव बताते हैं, वरना हमारे पास लाइव बताने का कोई चारा भी नहीं है। यह नहीं है कि हम रोजाना के रोजाना आपको एक ही चीज दिखाते रहें, हम हर एक वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ नया लाते हैं, कुछ नया मोबाइल एप्लीकेशन लाते हैं और लाइव अप्लाई करते हैं, लाइव हमें लोन मिलता है और वही वाला लोन का प्रूफ हम आपको लाइव बताते हैं। आज भी हमने एक ऐसे बंदे का लोन अप्लाई किया है जिसको कहीं पे भी लोन नहीं मिल रहा था और जिंदगी में पहली बार उसने लोन लिया है, इससे पहले उसको लोन मिला ही नहीं है। उसका भी आप यकीन नहीं करोगे, 45,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। अब आप यकीन तो करोगे नहीं, क्योंकि आपको लोन मिलेगा तो आपको यकीन होगा, लेकिन यह रियल है कि उसने जिंदगी में पहली बार लोन लिया और उसको 45,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ। यहां पर आप देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है, कांग्रेस, यू आर फ्यू स्टेप्स अवे फॉर गेटिंग द मनी इन योर बैंक अकाउंट 45,000 रुपए। और नीचे आप देख सकते हो जो उसको लोन मिला है वो 12 महीनों के लिए मिला है और 4,365 रुपए उसकी हर महीने किस्त आएगी। जो उसका इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 28.99% लग रहा है। बस हमारा यहां पर सब कुछ सेट है। जैसे ही हम यहां पर गेट मनी इन माय बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तुरंत के तुरंत हमारा जो पैसा है वो इंस्टेंटली हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि कुछ नहीं करते हैं, उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता है, वो कोई भी जॉब नहीं करते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं या तो पढ़ते हैं या फिर बेरोजगार घूम रहे होते हैं या फिर वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनका लोन चल रहा होता है। कोई ना कोई मोबाइल एप्लीकेशन ऐसा होता है जिनसे वो अप्लाई करते हैं और उनको लोन मिला हुआ होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास इनकम का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी उनके दो दो तीन तीन लोन चल रहे हैं। उन्होंने कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन से लोन ले रखा है। जिन लोगों के पास इनकम का सोर्स होता है, इनकम का डॉक्यूमेंट होता है, उन लोगों को तो बैंक के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू इजीली तरीके से लोन मिल जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कि अनपढ़ हैं और उनको अगर लोन की जरूरत है, या फिर ऐसे लोग जो कोई नया धंधा खोलना चाहते हैं और उनको लोन की जरूरत है और उनके पास इनकम का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो इस वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि आपको लोन के नाम पर कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा और बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप यहां पर 10,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर पाओगे। रही बात यहां पर लोन लेने पर आपका कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितने महीनों के लिए आपको लोन मिलेगा और आपका प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह कितना लगेगा, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि मैं बताने पर विश्वास नहीं करता, डायरेक्ट मैं आपको लाइव अप्लाई करके बताऊंगा कि यहां पर आप इतना लोन लोगे तो इतना आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, इतने महीनों के लिए आपको लोन दिया जाएगा, इतना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। सारी चीजें मैं आपको वीडियो के अंदर लाइव अप्लाई करके ही कैलकुलेट करके बताऊंगा। आपको यहां पर जल्दबाजी में मैंने आपको बताया और आपने इतना सुना और तुरंत ही आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं कर देना है, पहले आपको यहां पर लोन की जो पूरी डिटेल है, इसका जो पूरा फंडा है वो आपको समझना है और उसके बाद लास्ट में जाके आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरी बात सुनी ना हो, सारी जानकारी आपने ली ही ना हो और उससे पहले ही आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया हो और लोन भी आपको मिल गया हो, लेकिन बाद में जाके आपको पता चले कि यार यह जो लोन था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था या फिर यह जो लोन था वो बहुत ही हमें नहीं लेना चाहिए था, इससे हमें नुकसान हो सकता है
या फिर लोन के बदले में हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो एक बार टाइम निकाल कर आप इस वाले वीडियो को पूरा देख लो और उसके बाद लास्ट में आप डिसीजन लेना कि मुझे यहाँ पर लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर ये सारे प्रोसेस बताऊं, लाइव अप्लाई करने का तरीका बताऊं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक ना किया हो तो नीचे आपको वीडियो को लाइक करने का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो जिससे मैं जब भी कोई लोन की न्यू वीडियो डालूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल हवाला टेक सपोर्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज होते हैं जो कि मैं नहीं बना पाता हूं और बहुत से ऐसे लोन के ऑफर निकलते रहते हैं जिसका मैं वीडियो ना ला पाता हूं, तो उसका जो अपडेट होता है वो आपको मैं इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूं। इस ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद अब आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई लोन नाउ का, तो आपको अप्लाई लोन नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है जिसका आप लोन अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद पैन कार्ड के अंदर उनका जो भी नाम है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो लोन लेने के लिए हमेशा आपको आई एम सैलरीड पर क्लिक करना है और मंथली इनकम आपसे जो पूछी जा रही है यहाँ पर आपको कम से कम 40,000 से ऊपर आपकी इनकम लिखनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए लोन ऑफर चेक किया जा रहा है, उसके बाद आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 45,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं, हमें बता दिया गया है कि कांग्रेस आप 45,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 45,000 रुपए का लोन लेते हो तो आपको जो लोन मिलेगा वो आपको 12 महीनों के लिए मिलेगा, या फिर आपकी जो किस्त आएगी 12 महीनों तक वो 4,365 रुपए आएगी और आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 28.99% लगेगा। लेकिन आप इस लोन अमाउंट को और इस जो 12 महीनों के लिए आपको लोन मिल रहा है इस वाले महीनों को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप 45,000 रुपए से कम का लोन लेना चाहो तो आपको जो लिमिट मिलती है इसे आप ज्यादा तो लोन ले नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कम का लोन चाहिए तो आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जितने रुपए का आपको लोन चाहिए उतने रुपए को आप सिलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे 12 महीनों का लोन ना लेकर मुझे 24 महीनों के लिए लोन चाहिए तो आपको यहां पर चेंज लोन टेनर पर क्लिक करना है और यहां पर आपको 24 महीनों को सिलेक्ट कर लेना है। जितने महीनों को भी आप सिलेक्ट करेंगे और जितना लोन अमाउंट आप सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपकी यहां पर ईएमआई आएगी और उसी के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जाएगा। तो जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितना आपको लोन की जरूरत है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गेट मनी इन माई बैंक अकाउंट इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर 5-6 स्टेप्स कंप्लीट करनी है जिसमें आपको अपनी डिजिटल केवाईसी करनी है। सबसे पहले तो डिजिटल केवाईसी करने के लिए आप डिजिटल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी डालेंगे और वापस से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए जिसका भी आपने आधार कार्ड डाला है, जिसका भी आपने पैन कार्ड नंबर डाला है, उसका आप यहां पर एक फोटो क्लिक करेंगे, उसकी आप एक सेल्फी लेंगे, उसके लिए आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर आप अपनी सेल्फी ले लेंगे। उसके बाद यहां पर आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होगी, उसके लिए आप बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आईएफएससी कोड डालेंगे और नीचे जो भी आपका बैंक के अंदर नाम है वो डालेंगे और कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने वर्क इंफॉर्मेशन डालनी होगी, उसके लिए आप वर्क इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो भी काम धंधा करते हैं आप कोई भी काम धंधे का नाम यहाँ पर लिख देंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डालना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पीडीएफ नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर जो भी आपका बैंक है उसको आपको बस सिलेक्ट करना होता है और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हो उसके अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता
होता है उस पर एक ओटीपी जाता है, आप जैसे ही ओटीपी डाल देते हो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लिया जाता है। बैंक स्टेटमेंट डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो ईएमआई रिपेमेंट सेटअप है वो आपको करना होता है। ईएमआई रिपेमेंट सेटअप का मतलब यह होता है कि यहाँ पर आपको अपने एक बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई सेटअप करना होता है। जिस भी बैंक अकाउंट के थ्रू आप ईएमआई सेटअप करते हैं, जब भी आपकी किस्त आती है हर महीने की किस्त वाली तारीख को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ईएमआई सेटअप करते ही पैसा कट होता रहता है। आपको अपना पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है, बस हर महीने जितना भी आपकी किस्त आए वो पैसा आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर रखना है, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट होता रहेगा। यहाँ पर आपका ईएमआई रिपेमेंट सेटअप होने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ई साइन लोन एग्रीमेंट को साइन करना है, और जैसे ही आप साइन करके सबमिट करेंगे तुरंत ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इस वाले ऐप के फाइनेंस डिपार्टमेंट को चली जाएगी, और इस वाले ऐप के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे, और अगर आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो तुरंत ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर जितना भी आपने लोन सेलेक्ट किया है और जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला है उसके अंदर तुरंत ही आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले ऐप से लोन लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करो और लोन के लिए अप्लाई करो।